अब व्हाइट क्वीन प्राचीन घड़ी की जंजीरों को तोड़ देती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है और एलिस को अंदर से समय गोला लाने के लिए कहती है। फिर एलिस दरवाजे से उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, पर अंदर का नजारा काफी डरावना था। महल तक पहुंचने के लिए उसे एक गहरी खाई को पार करना होगा, जिसके बाद उसकी नजर सेकंड की सुई की ओर पड़ती है जो उसी की ओर आ रही थी। वो सीधा उसके ऊपर कूदकर उसे पकड़ लेती है, फिर आगे वो मिनट की सुई के ऊपर कूद जाती है और ऐसा करके वो दौड़ती हुई उस महल के अंदर चली जाती है। लेकिन वो महल अंदर से पूरा खाली था। वो वहां पर समय के देवता को पुकारती है, लेकिन उसकी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। पर तभी वहां पर समय गुरु आ जाता है। एलिस उससे डरकर एक कोने में छिप जाती है। समय गुरु काफी ज्यादा बिजी था, वो वहां पर लोगों से उनका समय छीन रहा था और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार सजा दे रहा था। पर फिर समय गुरु एलिस को देख लेता है। एलिस भी उससे डरकर उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद वो उससे समय गोला मांगती है ताकि वो उससे अपने दोस्त की जान को बचा सके। लेकिन समय गुरु इसके लिए मना कर देता है और अपने सिपाहियों को बुलाकर उसे महल से बाहर भेज देता है। पार्ट 4 के लिए लाइक और कमेंट दोनों करें।